चलो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो बच्चे फिजिक्स से परेशान हैं या फिजिक्स उनके दुख और तकलीफ का कारण है। जनरली जब बच्चे क्लास 10 से जब कोई स्टूडेंट जो है क्लास 11th में पहुंचता है तो शुरू के 2-3 महीने तो फिजिक्स उन्हें परेशान करती है या कहें कि वो फिजिक्स से परेशान होने लगते हैं और ये 2-3 महीने अगले 2 साल की परेशानी का कारण बनते हैं। यानी जो परेशानी शुरू में सिर्फ 2-3 महीने की लग रही थी अब 2 साल तक कंटिन्यूअस बनी रहती है। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत छोटा सा है। जनरली बच्चे ये चीज सोच नहीं पाते, उन्हें ये चीज पढ़ाई भी जाती है जैसे मैथमेटिकल टूल। ठीक है, मैथमेटिकल टूल जो होता है बच्चों को शुरू में ही स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए पढ़ाया जाता है। हार्डली 3-4 दिन 1 हफ्ते के लिए पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स के ये टॉपिक जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, एक्चुअली उनको 1 हफ्ते के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, उनको कम से कम 20 दिन 25 दिन के लिए पढ़ाना चाहिए। साथ में उनको एप्लीकेशन क्वेश्चंस सॉल्व कराने चाहिए। जो चीज उन्होंने पढ़ी है इस मैथमेटिकल टूल में टॉपिक क्या इंक्लूड होते हैं? इस मैथमेटिकल टूल में जनरली 9th-10th के भी टॉपिक होते हैं जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन मेजर टॉपिक जो होते हैं वो क्लास 11th और 12th के होते हैं। ठीक है, उनको बच्चा आज तक पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसको इनिशियल लेवल पे पढ़ना है और उसको समझना है, साथ में कुछ क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन करके आगे बढ़ गए, एटलीस्ट 100-200 क्वेश्चन एटलीस्ट करेगा बच्चा, तब उसको वो यूज टू हो पाता है उन टॉपिक्स का। ठीक है, तो वो टॉपिक कौन कौन से हैं जो बच्चों को पढ़ने चाहिए? ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है, बिना उसके अगर बच्चा फिजिक्स के चैप्टर्स को टच करता है तो हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम आएगी। तो वो टॉपिक मैं बता दे रहा हूँ। टॉपिक हैं, देखो सबसे पहले पहला टॉपिक है, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, जनरल फार्मूला फॉर एरिया एंड वॉल्यूम। ये ऑलरेडी 9th-10th के बच्चे पढ़ चुके हैं तो उनको बस रिवाइज करना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। साथ में अल्जेब्रा भी 9th-10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें बायनोमियल थ्योरम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, धाराचार्य मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका है 9th-10th में। साथ में है ट्रिग्नोमेट्री भी 9th-10th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल फॉर्मूले होते हैं जो कि 11th में ही पढ़ाए जाते हैं, क्लास 11th की मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं, तो बच्चे को वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साथ में उस पर क्वेश्चन भी लगाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर ग्राफ आता है, ग्राफ 9th-10th के बच्चों को थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में ग्राफ की स्टडी पहले ही करनी होती है, तभी चीज़ें आगे समझ में आती हैं। उसके बाद से जो 5th टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5th और 6th और 7th, ये 3 टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर ये बच्चा नहीं पढ़ा तो उसको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो 5वां टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि क्लास 11th-12th में पढ़ाया जाता है, नई चीज है उसके लिए, तो उसको पढ़ना भी है और उस पर एप्लीकेशन भी सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है और ठीक ठाक सॉल्व करना जरूरी है, एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना जरूरी है। साथ में इंटीग्रल कैलकुलस है, ये भी 11th-12th में पढ़ाया जाता है, स्पेशली 12th में, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है और एप्लीकेशन सॉल्व करना है, बिना उसके आपको फिजिक्स नहीं समझ में आएगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं समझ में आएगी। बच्चे जो परेशान रहते हैं उनके दुख और तकलीफ का कारण जो फिजिक्स है उसके पीछे ये जो टॉपिक्स है ना, मेजर 5th, 6th और 7th, ये मेजर टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद आता है वेक्टर। वेक्टर बच्चे 9th-10th में पढ़ते हैं लेकिन बहुत ही ब्रीफ में पढ़ते हैं, बहुत छोटे 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 पॉइंट्स पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, और उस पर एप्लीकेशन भी सॉल्व करने हैं और अच्छे खासे एप्लीकेशन, कम से कम 50-100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी ओवरऑल इन टॉपिक्स को मिला दिया जाए मैथमेटिकल टूल के तो कम से कम 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और वो इतनी आसानी से 2-4 दिन में नहीं हो सकता, वो एटलीस्ट 15-20 डेज या इवन 25 डेज भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आपका जो है वो नींव मजबूत होगी तभी आपकी इमारत सही होगी, अगर नींव ही खराब होगी तो इमारत कैसे अच्छी बनेगी। तो मैथमेटिकल टूल हर रेफरेंस बुक में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, आज की डेट में हर रेफरेंस बुक में, आप किसी भी रेफरेंस बुक को उठा लो, सब में ये मैथमेटिकल टूल का